सब्सक्राइब कीजिए। आपने 2000 का नोट देखा होगा, है ना? वो नोट प्रिंट होने से पहले कागज ही तो था, बताइए, ब्लैंक पेपर था ना, उसकी कीमत बड़ी कैसे? छपने के बाद उसने अपने सीने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप कबूल कर लिया, रिजर्व बैंक का स्टैंप उसने को अपने अंदर कुछ चीजें उसने ले ली, और वो खाली नहीं रहा, उसके ऊपर कुछ चीजें नक्श कर दी गई, तो अब ये कीमती हो गया। अब सेकंड चीज, मैं अगर आपको 2000 का नोट दूं, आप उसे कबूल करेंगे ना? किसी को भी देंगे आप, वो ले लेगा। एक सीधा साधा नोट, सिंपल सा, 2000 का नोट मैंने दिया, आपने कबूल कर लिया। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, इस 2000 के नोट को मैंने लिया और एकदम मरोड़ डाला, एकदम तोड़ ताड़ के, एकदम बिल्कुल ऐसा कर दिया कि बिल्कुल किसी लायक नहीं है, और उसके बाद मैं आपको दूं, फाड़ा नहीं मैंने, लेकिन उसे मरोड़ दिया पूरा, एकदम फ्रेश नोट नजर नहीं आ रही, उसमें खुरचली वगैरह सब सारी चीजें, उसके बाद मैं आपको दूं, आप लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना? क्यों लेंगे आप? पता ये चला, नोट फटनी नहीं चाहिए, हजार उसे कुचल दिया जाए, हजार उसे मसल दिया जाए, लेकिन अगर वो सलामत है तो उस कुचलने की उसे परवाह नहीं करनी चाहिए, वो फिर भी कीमती है, लोग उसे अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं। मुसलमानों, ईमान के एतबार से तुम इतने पुख्ता हो जाओ, इतने किरदार हो जाओ, जमाना तुम्हें अपनी ठोकरों में हजार लाने की कोशिश करे, लेकिन ठोकरें खा करके भी जब तुम उठो तो सच्चाई तुम्हारी गवाही दे रही हो, तब तुम दुनिया वालों के नजदीक अपना मकाम बना पाओगे, अपनी इज्जत बना पाओगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।